आखिर क्या है ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज, 22 कमरों का रहस्य, ताजमहल या तेजो महालय? ताजमहल एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी माना जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन आज के समय में ताजमहल सवालों से घिरा हुआ है। ताजमहल के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। क्या सच में ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है? क्या शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था ताजमहल? कई लोग ताजमहल के अंदर मौजूद उन 22 कमरों को खोलने की मांग कर रहे हैं, जो कई सालों से बंद पड़े हैं। आखिर क्या है ताजमहल के इन 22 कमरों का रहस्य, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ताजमहल को शिव मंदिर बताने वाले कई तर्क पेश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, जिसे तोड़कर यहाँ पर मकबरा बनाया गया। PN ओक द्वारा लिखी गई किताब द ट्रू हिस्ट्री में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि ताजमहल को PN ओक ने ताजमहल पर लिखी किताब द ट्रू हिस्ट्री में ये साबित करने की कोशिश की है कि शाहजहां ने तेजोमय महल नाम का शिव मंदिर पर कब्जा किया और उसे ताजमहल का नाम दिया। लेकिन क्या सच में शिव मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनाया गया था, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ताजमहल के अंदर हिंदू सभ्यता के कोई प्रमाण है या नहीं, इसलिए इसके अंदर मौजूद 22 कमरों को खुलवाने की मांग की जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल के कमरे सभी के लिए एक विवाद बने हुए हैं, इसलिए इन दरवाजों को खोलकर दुनिया के सामने रहस्य को उजागर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कई ऐसे तथ्य भी बताए हैं जो बताते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि हाईकोर्ट ने ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ताजमहल के 22 कमरों के अंदर कोई रहस्य छिपा हुआ है या ताजमहल के अंदर शिव मंदिर बना हुआ है? क्यों आज भी ये कमरे बंद पड़े हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।